जो अपने धरती माँ के लिए खड़ा रहे और तब जाके भारत देश एक महासत्ता बनेगी। तो चलिए अभी मैं बुलाती हूँ हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों ये बिजनेस होता है कि जो कोई भी रिसोर्स संसाधन होता है उसका विकास करता है, उसको डेवलप करता है। अगर हम पूरे दुनिया में देखें तो जो देश आज विकसित है, पूरी तरह से डेवलप्ड है, वो इसीलिए कि उन्होंने अपने देश में जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेस है, उसका सही तरह से पूरे सर्वोत्तम महत्तम ऑप्टिमम ऐसा यूटिलाइजेशन किया है, ऐसा विकास किया है। और जो भी देश आज की तारीख में अनडेवलप्ड है, पिछड़े है, डेवलपिंग है, वो इसलिए नहीं कि उनके पास रिसोर्सेस नहीं, वो सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने अपने रिसोर्सेस को अच्छी तरह से उनको डेवलप नहीं किया है, उनका विकास नहीं किया है। दोस्तों ऐसे देश कि जिन देशों में इकोनॉमी या उनकी परिस्थिति उतनी डेवलप नहीं होती, वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग होते हैं, उनकी परिस्थिति इस हाथी जैसे होती है। इस हाथी को देख रहे हैं आप, हाथी इतना बड़ा दिखाई देता है और उसके सामने उसकी जो जंजीर है वो कितनी स्मॉल या कितनी वीक दिखाई देती है। अगर हाथी पूरी ताकत से अपना जोर लगाए तो फिर एक सेकंड में इससे आजाद हो सकता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो हमारे इस डेवलपिंग नेशंस में भी सेम परिस्थिति होती है। ये हाथी जैसे होता है, हाथी जब बचपन में इसको बांधा जाता है तो वो बहुत कोशिश करता है, बिकॉज बचपन में वो छोटा होता है और वो सलाखें बहुत स्ट्रांग होती है, तो बहुत वो कोशिश करता है, लेकिन उसको फिर पता चलता है कि नहीं, मुझसे होगा नहीं और मैं कभी भी इससे आजाद नहीं हो सकता। और उसके बाद वही सोच लेके वो पूरी तरह से बड़ा होता है। और जो फिर हम ये देखते हैं दोस्तों, जो डेवलपिंग नेशंस है, जो पिछड़े हुए जो देश है या प्रदेश है, उनके बारे में भी यही परिस्थिति होती है। ये लोग, इनमें दो तरह की अलग अलग चीजें हो सकती है। ये तो ये देश ऐसे होते हैं कि जिनको अपने इस शक्ति के बारे में, अपने इस रिसोर्सेस के बारे में पता ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि हम भी वो डेवलप्ड नेशन या वो प्रगत देश बन सकते हैं। या दूसरी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि ये देश, उन्हें पता होता है कि हमारे पास इतना सब कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करें ये इनको पता नहीं होता। दोस्तों भारत की बात करें तो भारत 90% ऑफ दिस होल सिविलाइजेशन, जो भी हमारा इतिहास था, उसमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। दुनिया में जितनी जीडीपी थी 30% भारत बनाता था, लेकिन बीच में ये अंग्रेज आ गए, 400 साल इन्होंने जो हमारे ऊपर राज किया, और बार बार उन्होंने एक ही बात बताई हमको कि आप गुलाम हो, और आपको सिर्फ हमारी नौकरी करनी है, हमारी चाकरी करनी है। दोस्तों इस अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजी भिखारी बन के इधर आए थे और हमें 400 साल लुटके फिर वो अपने देश को इन्होंने इतना बड़ा किया है, वो अंग्रेज, इन्होंने कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई भी ऐसा सबूत, डॉक्यूमेंट्स, ग्रंथ नहीं छोड़ा कि जो हमें यह बताता कि हम कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दोस्तों इन्होंने पूरी तरह से जो कुछ डॉक्यूमेंट्स था, जो भी कुछ, और इतना ही नहीं कि सिर्फ हम अर्थव्यवस्था में आगे थे, हर कोई चीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज में, हर सेक्टर में भारत दुनिया में अव्वल था। लेकिन सब चीजें इन अंग्रेजों ने जला के राख कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी, शिक्षण पद्धति थी, वो इस तरह से बदल दी कि उन्हें सिर्फ चाहिए थे नौकर उनके लिए काम करने वाले, और पैदा हो रहे आज के तारीख में सिर्फ क्लर्क्स जो इनकी बहुत अच्छी सेवा करें। इसीलिए आज भी अगर आप देखोगे तो हमारे यहां के सबसे अच्छे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, तो किसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सबसे बड़े स्थान पे होंगे, लेकिन करेंगे नौकरी ही, धंधा पानी नहीं करते हमारे इधर, वो सोच ही नहीं है। ये सोच बदल डाली इन अंग्रेजों ने 400 सालों में। दोस्तों हम 1947 में आजाद हुए, हमारे सिर्फ 2 साल पहले जापान पूरी तरह से राख हो गया था।
दूसरा विश्व युद्ध बंद ही इसलिए हुआ जब अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 अनुबॉम गिराए और इस अनुबॉम की वजह से जापान पूरी तरह से राख हो गया था, बर्बाद हो गया था। दोस्तों जापान की और भारत की शुरुआत सेम ही हुई, लेकिन जापान में क्या था, तो जापान में था वो एंटरप्रेन्योरशिप। और आज आप देख रहे हो कि जापान कहां है। जापान दुनिया में से सबसे डेवलप्ड कंट्री में एक है, ऊपर है, सबसे ऊपर है। और हम इसलिए इधर हो है कि शायद हम लोग अपने जो रिसोर्सेस है उसको सही तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे। दोस्तों जब भी अगर मैं बिजनेस के एंगल से देखो तो जब भी रिसोर्सेस की बात आती है तब लोग एक ही रिसोर्स को देखते हैं और वो कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्स, मनुष्य संसाधन विकास। हर कंपनी में आप देखोगे तो एक डिपार्टमेंट होता है, एचडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी डिपार्टमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से हम लोग अच्छी तरह से करें। और हर डिपार्टमेंट में वो फोकस करते कि कैसे हमारे लोग अच्छे से अच्छे बने, बेहतर करें। और ये जरूरी भी है, ये मैं भी मानता हूं कि मनुष्य सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब ये मनुष्य ही तो है ना कि जिसकी वजह से हम लोगों ने इतनी तरक्की की है और यहां तक आए। और मैं समझता हूं कि अगर मनुष्य चाहे तो सब कुछ पॉसिबल हासिल कर सकता है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये मनुष्य, ये जो रिसोर्स है ये अच्छा काम करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा काम करती है, अच्छा बिजनेस करती है। लेकिन अगर यही चीज मैं अपने देश के बारे में बताऊं तो हमारे देश में भी इतनी सारी आबादी है। आज की तारीख में हमारे देश में 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये। और इसे अगर हम अच्छी तरीके से इसे डेवलप करें, एक ही दिशा में मिलकर सब लोग काम करें, तो जल्दी हम अपने देश को भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन वैसे ये जो रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस कई तरह के होते हैं। रिसोर्सेस की अगर व्याख्या मैं आपको बताऊं, संसाधन, तो क्या है रिसोर्स? तो रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज जो टेक्निकली हम उसे उपयोग कर सकते हैं, इकोनॉमिकली वो फिजिबल है, हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, समाज उसको स्वीकार कर सकती है। तो ऐसी चीज जो हमारे जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को पूरा करती है, ऐसे सब चीजों को हम संसाधन रिसोर्सेस ऐसे कहते हैं। तो दोस्तों कई सारी चीजें हो सकती है जो इस संसाधन रिसोर्सेस इसकी चीज में आती है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि इतना सारा पानी समुन्द्र में होता है, तो समुन्द्र का इतना पानी अगर है तो किसी भी गांव में सूखा ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन समुन्द्र का वो खारा पानी टेक्निकली उससे टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उसे पीने का पानी बनाए और फिर हर गांव में लेके जाए, ये टेक्निकली शायद अभी तक पॉसिबल नहीं है और इकोनॉमिकल फिजिबल ही नहीं है। और अगर मैं बोलूं कि टॉयलेट का पूरा जो पानी इमीडिएटली 5 मिनट में वो पीने का पानी बनेगा, तो शायद आज की तारीख में हाँ ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं। तो ये तीनों चीज टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ऐसी सब चीजों को, जो चीजें हमारी जरूरतें, हमारी चाहतें पूरा करती है, इन सभी चीजों को हम रिसोर्सेस ऐसा कह सकते हैं। और ये रिसोर्सेस ऐसे 2 तरह के हो सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेस जो एक बार हम लोगों ने यूटिलाइज किए, उनका उपयोग किया, तो वो एक बार खत्म हो गए, उसके बाद हम लोग उसे फिर से नहीं पा सकते। जैसे हमारा फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, तेल, कोयला, ये सब कुछ। और दूसरे ऐसे है कि जो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार उनका निर्माण कर सकते हैं, और वो है बायोमास। वैसे ही ऐसे भी रिसोर्सेस है कि जो एक्चुअली आज की तारीख में हमारे सामने है और इमीडिएटली हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और कुछ रिसोर्सेस ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ता है, तब जाके वो हमारे उपयोग के हो सकते हैं। कुछ रिसोर्सेस ऐसे हो सकते हैं कि जो सजीवों से आते हैं, वनस्पति, प्राणी, ऐसी चीजों से आते हैं। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो निर्जीव चीजों से बनते हैं और आते हैं। इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो आप दुनिया में कहीं भी जाओ आपके लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे हवा। हवा सभी जगह है, अच्छा रिसोर्स है। और वैसे ही कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ किसी जगह पे ही हमको मिलते हैं, लोकलाइज होते हैं, जैसे खदानें। अगर कोयले की खदान है, कोई किसी मेटल की खदान है, वो वही मिलेगी जहां वो मिलती है, लोकलाइज है। इसी तरह कुछ जो रिसोर्सेस है, कुछ संसाधन है, निजी हो सकती है, कुछ पूरे समुदाय की हो सकती है, कुछ देश की हो सकती है, और कुछ पूरे दुनिया की हो सकती है। तो दोस्तों ये रिसोर्सेस कई सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे जो एक्सेप्टेड, जो इनका क्लासिफिकेशन है, जो डिफरेंट टाइप्स है, मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहले जो है, जो पहला टाइप है वो है ह्यूमन रिसोर्स। एंड एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स को हमेशा पहला रखना चाहिए, बिकॉज सभी सजीवों में ये एक ऐसा सजीव है, ह्यूमन मनुष्य, कि जिसने इतनी प्रगति की है। अभी आप टेक्नोलॉजी देखोगे, स्पेस देखोगे, तो शायद कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जहां हमने कदम रखा नहीं है, कुछ करके दिखाया नहीं है। और मनुष्य को इतना कुछ कुदरत ने, भगवान ने दिया है, तो शायद हम और बेहतर इसको, अपने धरती को बना सकते हैं। दूसरा जो रिसोर्स है, उसकी जो कैटेगरी है, वो आती है प्रकृति से। तो प्रकृति के जितने भी रिसोर्सेस हमें मिलते हैं, वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों तीसरा है जो रिसोर्सेस, वो बिजनेस के एंगल से हम लोग समझ सकते हैं, और इन्हें कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस। यानी बिजनेस में हम क्या करते हैं, तो बिजनेस में किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, नहीं तो किसी सेवा का निर्माण करते हैं। तो ये वस्तु और सेवा बनाने के लिए जो कुछ चीजें लगता है, सबको रिसोर्सेस कहते हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लोग हो, कोई रॉ मटेरियल हो, ये सभी चीज उस इकोनॉमिक रिसोर्सेस में आते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी बनाई है जिसका नाम है स्पेस रिसोर्सेस। अभी स्पेस है वो स्पेस नहीं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी नजर आता है, जो रिसोर्सेस है, इन सभी का उपयोग या इन सभी की कैटेगरी इसमें की गई है। तो इसमें क्या है, तो इसमें हवा से जो ऑक्सीजन मिलता है वो, ये हमारा सनशाइन जो सूरज की किरणों से लेके, ये पत्थर वगैरह सब कुछ जो एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है, ये सभी इस स्पेस रिसोर्सेस में आता है। इसके अलावा और एक रिसोर्स है जिसका नाम है स्पेकुलेटिव रिसोर्स, यानी अंदाजित ऐसा संसाधन। अभी स्पेकुलेटिव रिसोर्स है ने क्या, कि ये वो रिसोर्स है कि जो अभी तक हमने निकाला नहीं है, उसको डिस्कवर नहीं किया, लेकिन हमारा अनुमान है, हमारा अंदाज है कि वहां वो रिसोर्स हो सकता है। जैसे कि एक जगह हमें एक कोयले की खदानें मिलती है, हम बहुत सारी जगह पे कोयले की खदानें मिलती है, बहुत सारी जगह पे लोहे की खदानें भी है, तो हमें पता है कि ऐसी जियोलॉजिकल कंडीशन है तो हमें यह चीज मिल सकती है। तो वैसे ही अगर किसी देश में हम जाए और वैसे सेम जियोलॉजिकल कंडीशन अगर हमें दिखाई, तो हम एक अनुमान मानते हैं कि यहां ये रिसोर्स हो सकता है। ऐसे सभी रिसोर्सेस को जहां जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सिर्फ हमें अनुमान है, अंदाजा है कि यह हो सकता है, इन सभी को हम कहते हैं स्पेकुलेटिव रिसोर्सेस। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी वो है डेटा, इंफॉर्मेशन, माहिती। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन डेटा आज की तारीख में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रिसोर्स है। इसका कारण यह है कि डेटा या वो पूरी इंफॉर्मेशन तैयार करने के लिए कितने सारी कंपनियां बहुत सारा समय लगाती है, पैसा लगाती है, लेकिन एक बार डेटा जनरेट हुआ, एक बार वो इंफॉर्मेशन तैयार हुई, तो वो इंफॉर्मेशन बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए, तो हमारी प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा रिसोर्स है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उसके बारे में बात करने वाला हूं, और उसका नाम है जमीन। दोस्तों जमीन, मैं कहता हूं कि प्रकृति ने हमें जितने भी चीजें दी है, जो भी रिसोर्सेस दिए, उसमें से सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ रिसोर्स है तो वह है जमीन। दोस्तों हम सबको पता है कि ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के ऊपर 71% पानी है और 29% सिर्फ जमीन है, ओके? लेकिन अगर आप इस धरती के ऊपर जो जैव विविधता है, जो बायोडायवर्सिटी है, अगर वो देखोगे, तो पहले तो मैं बता दूं बायोडायवर्सिटी यानी क्या। बायोडायवर्सिटी यानी हमारी इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी वनस्पति है, जितने भी प्राणी है, जितने भी सजीव है, वो सब मिलके बनती है बायोडायवर्सिटी। तो ये जो बायोडायवर्सिटी है दोस्तों, इस सभी बायोडायवर्सिटी में जितने भी जीव है, जितने भी अलग अलग वैरायटी है, 80% जीव जमीन पे रहते हैं, 15% सिर्फ पानी में रहते हैं। आप कहेंगे कि इतनी बड़ी वो पानी है, इस पानी में सिर्फ 15% जीव, और जमीन के ऊपर 80% नहीं, प्रकार के, ओके? तो जमीन पे 80% प्रकार के जीव रहते हैं। ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये जो पानी होता है समुंदर, इस समुंदर का पानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और समुंदर के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, जो जियोग्राफिकल कंडीशन होती है, इनमें ज्यादा कुछ ऐसा फर्क या डिफरेंस ज्यादा नहीं होते। लेकिन अगर आप जमीन की बात करोगे, तो जमीन में ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
यानी आप समुद्र में सिर्फ टेम्परेचर की एग्जाम्पल देते लेते हैं, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर अगर समुद्र में देखोगे तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वही अगर जमीन पे अगर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस इस टेम्परेचर का होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विविधता है, जिसकी वजह से ये जैव विविधता के 80% जो सजीव है वो हमें धरती के ऊपर नजर आते हैं, और सिर्फ 5% जो धरती के ऊपर हमारा फ्रेश वाटर है या मीठा पानी है उसमें रहते हैं। दोस्तों, इन सभी जीवों के लिए, यानी मैं सिर्फ मनुष्य की बात नहीं करता, पूरे दुनिया के जितने भी जीव है, और ये 80% हमने देखी जैव विविधता जो धरती के ऊपर है, इन सभी के लिए सबसे 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 जरूरी अगर कुछ है तो वह है जमीन। अगर मैं मनुष्य की बात करूं, मनुष्य सजीव की बात करूं, तो दोस्तों आज मनुष्य को जो भी चीजें लगती है, हमें 95% जो चीजें लगती है वो हमें ये जमीन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले है ह्यूमन सेटलमेंट। हमारे यहां हमारी इस धरती के ऊपर आज 775 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। कहां रहते हैं? हम थोड़ी समुद्र में रहते हैं, स्पेस में रहते हैं, हम जमीन पे ही रहते हैं। कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, कोई भी कस्बा हो, कोई भी व्यक्ति का, कोई लोगों की कोई भी सेटलमेंट हो, वो जमीन पे ही होता है आज की तारीख में। और दूसरा, हम जो खाना, हमें हम जीने के लिए हमें जो खाना लगता है, सब कुछ लगता है, ये पूरी जो सिस्टम है, फूड सिस्टम, ये पूरा हमें जिंदा रहने के लिए जो मैं बोल सकता हूँ, ये पूरी सिस्टम जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस जमीन के ऊपर। आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, सभी तरह का एग्रीकल्चर हो, या एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन हो, ये सब जमीन से ही तो होता है। सिर्फ थोड़े कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम समुंदर से या नदी से करते हैं, अदरवाइज हमें ये जमीन ही जिंदा रखती है। और दोस्तों, ये जमीन, हम इस धरती के ऊपर जंगल, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, इसको भी बहुत सारा सपोर्ट करती है। अब ये जंगल क्या है? तो दोस्तों, ये हमारे दुनिया के लिए ये जंगल है हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स। लंग्स क्या काम करते हैं? तो जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं, हमारी पेशियां ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। ये फेफड़े क्या करते हैं? ये सभी तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर डालते हैं और ऑक्सीजन अंदर करते हैं, हमारे शरीर को फिर से ऑक्सीजन देते हैं। वैसे ही काम दुनिया के लिए जंगल करते हैं। ये हम औद्योगिकीकरण, विकास, इसके नाम पे जो कुछ पोल्यूशन कर रहे हैं, जो भी प्रदूषण कर रहे हैं, इस सभी प्रदूषण को लेके उनको शुद्ध हवा देने का काम हमारे जंगल करते हैं। और ये जंगल को कौन सपोर्ट करता है? तो यही हमारी जमीन। और इकोनॉमी, दोस्तों दिन रात हम लोग किसके लिए काम करते हैं? तो पैसे के लिए काम करते हैं ऑलमोस्ट सभी लोग। बहुत कम लोग होते हैं कि जो शायद पैशन के लिए काम करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट दिन से हम पूरे लोग कुछ ना कुछ कमाने के लिए काम करते हैं। ये पूरी जो अर्थव्यवस्था है, हर देश की अर्थव्यवस्था, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस जमीन के ऊपर। इस अर्थव्यवस्था के लिए जो भी एनर्जी लगती है, जो भी फ्यूल लगता है, सभी तरह की एनर्जी, सभी तरह के फ्यूल्स और मिनरल्स, ये सभी आते हैं जमीनों से। ट्रांसपोर्टेशन, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन पूरी दुनिया में होता है रोड से, ट्रेन से। जमीन के बिना ये तो पॉसिबल ही नहीं। इवन मैं अगर हवाई जहाज की भी बात करूं, तो उसके लिए भी जमीन जरूरी है। तो जमीन बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। आगे हमारा औद्योगिकीकरण है, नागरिकीकरण है, इसके लिए भी जमीन लगती है। दोस्तों, किसी भी देश में अगर आप देखोगे तो यह जमीन एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसका कारण यह है कि जमीन से बहुत सारी चीजें आती है। किसी भी देश में अगर जमीन ज्यादा है, अच्छी है, बेहतर है, बेहतर रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा उनकी इकोनॉमी को होता है। अगर उनके पास बेहतर जमीन है तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट उनकी हो सकती है, क्योंकि उतनी चीजें जमीन प्रोवाइड करती है। तो अगर हमारे देश की अगर हम बात करें, तो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए भी हमें इस जमीन को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं हमारे देश की जमीन को। दोस्तों, हमारा जो भारत है, हमारा भारत एक उपखंड में है, ऐसा मैं कह सकता हूं, और उस उपखंड का नाम है भारतीय उपखंड। यानी मैं नहीं कहूंगा कि भारत देश, पूरा उपखंड अपने नाम से है, भारतीय उपखंड। आज की तारीख में अगर आप साउथ एशिया करके आप गूगल कीजिए,
डालिया साउथ एशिया। साउथ एशिया में जितने भी देश आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब कुछ हमारे इस भारतीय उपखंड का भाग है। दोस्तों, सब कुछ भारत हुआ करता था कभी, तो ये भारतीय उपखंड कैसे बना ये समझना भी आज के लिए जरूरी है। कैसे बना? तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये पूरा एक उपखंड है, और जिसकी जो स्टोरी है कैसे भारतीय उपखंड बना, इसकी स्टोरी भी बहुत रोमांचक है। चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पृथ्वी के ऊपर, जैसा आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा था और पूरा एक ही समंदर था। पूरा जो जमीन का एक टुकड़ा था उसका नाम था पैंजिया, और जो एक समुंदर था उसका नाम था टेथिस समुंदर। उसके बाद फिर लाखों करोड़ों सालों में यह पूरा जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स है हमारे पृथ्वी की, उसके बाद एक जो बड़ा जो लैंड का टुकड़ा था उसके अलग अलग टुकड़े हो गए। ग्रॉसली अगर हम देखेंगे तो इसके दो वैसे टुकड़े हो गए, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। जो नॉर्थ उत्तर में था वो था लॉरेशिया, जिसको यूरेशिया भी कहते हैं, और नीचे साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जो था वो था गोंडवाना। और हमारा भारत है ना, इस गोंडवाना के एक प्रगति इसमें था, यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, आप देख सकते, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब एक दूसरे को जुड़ के ऐसे थे। और तब से भारत का जो पार्ट है वो निकला और धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ा। और आप देख सकते हैं कि कैसे भारत ऊपर की ओर चढ़के 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 फिर ऊपर का जो यूरेशिया था या लॉरेशिया था उसको जाके मिला। दोस्तों, 7 करोड़ साल पहले ये मूवमेंट शुरू हुई, और लगभग 1 करोड़ साल पहले ये जो चीज आप देख रहे ये जाके मिली, और तब बना भारतीय उपखंड। दोस्तों, हिमालय कैसे बना? तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि भारतीय उपखंड भारतीय गया और नीचे नीचे गया, और सामने वाला जो यूरेशिया का पार्ट था वो ऊपर 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 आते गए, और वो ऐसे हिमालय तैयार हुआ। तो हिमालय की उत्पत्ति इस तरह हुई। लेकिन सिर्फ हिमालय की नहीं, भारत का ये जो भाग जहां जहां जाके मिला, हर जगह वहां पर्वत तैयार हुए। तो इसलिए अगर आप देखोगे आज की तारीख में, तो हमारा भारतीय उपखंड है उसके नॉर्थ में सबसे ऊपर तो हिमालय है, और उसके नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखोगे तो वायव्य, वहां है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो वहां एक बहुत बड़ी पर्वत की श्रृंखला है जिसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, 800 किलोमीटर लंबी। उसके बाद हमारे नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जो है वह है हिमालय, 2500 किलोमीटर लंबा। और हमारा जो ईस्ट है, पूर्व है, वह म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत पर्वत की श्रृंखला है जो हमें अलग करती है। तो इस तरह यह पूरा भारतीय उपखंड बना है। दोस्तों, आज की तारीख में हमारे देश में जो आबादी है वो लगभग 140 करोड़ से ज्यादा है। दुनिया के 17.7% इतने लोग सिर्फ भारत में रहते हैं। दुनिया में दूसरे स्थान पे हैं हम जब भारत के पॉपुलेशन के बारे में सोचते हैं तो। लेकिन अगर सर इकोनॉमी की भी अगर बात करें तो हमारी इकोनॉमी दुनिया में 6वें नंबर पे है। जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में $3.25 trillion इतनी अपनी जीडीपी है, जो 6वें नंबर पे है। और अगर ये $3.25 trillion का मैं अपने रुपीज में कन्वर्ट करूं तो वो होते हैं 244 लाख करोड़ का सामान हम लोग यहां बनाते हैं, जो अपना जीडीपी है। लेकिन अगर मैं मार्केट की बात करूं, कितना बड़ा भारत मार्केट है, तो उसमें हम लोग 3रे स्थान पे है। दोस्तों, हमारी जो जीडीपी, जो पावर परचेसिंग पैरिटी, उसके परचेसिंग पैरिटी पावर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी व्यवस्था है, सबसे बड़ा मार्केट है, $8.9 trillion। इसका मतलब है 667.5 लाख करोड़, इतने करोड़ों का माल हर साल भारत में लोग बेच रहे हैं। बाहर के लोग बेच रहे हैं, अपने लोग बेच रहे हैं, जो कुछ है, लेकिन इतना बड़ा मार्केट आज की तारीख में भारत है। तो इतनी बड़ी, इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग और इतनी बड़ी इकोनॉमी, जमीन कितने अपने पास? तो जमीन अपने पास है 2% दुनिया की जमीन अपने पास है। चाइना है, चाइना के पास अपने पास 3 गुना इतनी जमीन है।
अमेरिका का है, अमेरिका के पास भी अपने से 3 गुना जमीन है, और रशिया उसके पास अपने से 5 गुना इतनी जमीन है। तो नंबर के बारे में, जमीन के बारे में अगर हम देखेंगे तो 7वें स्थान पे है हम, कि जितनी जमीन हमारे पास है। और जमीन कितनी है किलोमीटर में, तो 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर इतनी जमीन है, किलोमीटर के हिसाब से मैं बोलूं। और 1 किलोमीटर है 100 हेक्टर। तो मैं हेक्टर के बारे में अगर बोलू तो हमारे पास, हमारे देश में 3,287 लाख हेक्टर इतनी पास जमीन, इतनी जमीन हमारे पास है, जो 328.7 मिलियन हेक्टर ऐसा भी हम लोग उसे कह सकते हैं। तो ज्योग्राफी अगर भारत की देखेंगे तो 91% हमारे यहां जमीन है और 9% पानी है, 9% पानी, 9% पानी यानी क्या, तो हमारे इस भारत में जो भी नदियां बहती है, जो तालाब है बड़े बड़े, उन्होंने वो जो जमीन ली है, जो एरिया लिया है, वो है 9%। लेकिन हमारा देश माना ही जाता है, लोग उसे समझते हैं, उसकी जो जो आइडेंटिटी है वो है डाइवर्सिटी, सब कुछ, अलग अलग तरह की चीजें, सिर्फ लोगों में नहीं, आज हम लोग देते कि पूरे कल्चर में, संस्कृति में, हर तरह के लोग आज हमारे पास में, हमारे देश में रहते हैं। लेकिन सिर्फ उसमें नहीं, ये काम ज्योग्राफी में भी है। ज्योग्राफी में अगर देखोगे तो हर तरह की जमीन आज हमारे देश में है। लगभग 43% जो जमीन है वो प्लेन है, पूरी तरह से प्लेन है, जिसके ऊपर आज हम लोग खेती करते हैं, जिसके ऊपर आज इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल जोन्स है। उसके अलावा 30% जमीन भारत की उसपे पत्थर, उसपे माउंटेन्स है, उसपे बड़े बड़े पहाड़ है, जिसपे हिमालय से लेके सभी तरह के पहाड़ इसमें है। अब ये बहुत बड़ा रिसोर्स है, बहुत कम देश ऐसे कि जिनके पास इतने सारे पहाड़ है। और मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में कि कैसे तरह ये पहाड़ भी, ये माउंटेन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे रिसोर्स है दोस्तों। और 27% हमारे पास है प्लेटू। प्लेटू का मतलब होता है कि अगर कोई जमीन जैसे धरती से ऊपर है, पहाड़ जैसी, और ऊपर का पूरा उसका जो सरफेस है वो पूरी तरह से फ्लैट, यानी हम लोग कैसे समझते हैं कि पर्वत ऐसे ऐसे बड़ा होता है, लेकिन वैसे नहीं, पर्वत ऊपर आया और ऊपर सब पूरा फ्लैट है, तो वो है प्लेटू। 27% अपनी जो जमीन है वो इस प्लेटू के ऊपर, प्लेटू के ऊपर है। और ये जरूरी है प्लेटू हमारे जंगलों के लिए, हमारे मिनरल्स के लिए, और कितने सारे रिसोर्सेस इसमें आते हैं। नेक्स्ट, तो चलो थोड़ा सा ज्योग्राफी आज मैं आपको फिर से एक बार भारत के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। ज्योग्राफी यानी भारत जो है, ये जो पृथ्वी का गोल है, ये पृथ्वी का गोल एक दो हिस्सों में बंटा है, एक ऊपर का उत्तर गोलार्ध और नीचे का होता है दक्षिण गोल या दक्षिण गोलार्ध। अब ये दोनों गोलों को जो लाइन डिवाइड करती है उसे हम कहते हैं विषुववृत्त, इक्वेटर। ओके, तो गोल है पृथ्वी का और आप देख सकते हैं कि इसमें एक लाइन है जो इसके दो भाग में कर रही है, और इस लाइन के जो पैरेलल लाइन है इसे हम कहते हैं अक्षांश। और ये जो पृथ्वी का गोल है इसके दो भाग ऐसे भी होते हैं, एक पूर्व गोल और पश्चिम गोलार्ध। तो पूर्व गोलार्ध पश्चिम गोलार्ध करने के लिए जो लाइन जाती है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब ये प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड के ग्रीनविच से जाता है, और ये जो प्राइम मेरिडियन गया है बीच में उससे भी पैरेलल ऐसे लाइंस है जिसे हम रेखांश कहते हैं। तो ये जरूरी है, ये अक्षांश रेखांश किस लिए बना है, ये जानने के लिए कि आपका लोकेशन एक्चुअली है का। आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे, आप कौन सा भी फोन आपके पास हो तो आप जस्ट अपना लोकेशन डालिए तो बहुत सारे ऐप्स है जो आप किधर खड़े हो ये बताएंगे, कौन से अक्षांश, कौन सा रेखांश, किधर किधर क्या हो, सब कुछ। अरे जरूरी है, अभी इतने सारे प्रोजेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं और आगे करने भी वाले, इन सभी लोकेशन में ये सब चीजें जरूरी है। तो चलिए देखते भारत के बारे में, अगर आप देखोगे तो भारत हमारा उत्तर गोलार्ध में है। उत्तर गोलार्ध में अगर हमारे अक्षांश आप देखोगे तो 8.4 से लेके 37.6 ऐसा हमारा विस्तार भारत का है अक्षांश का। और रेखांश की बात करें तो 68.7 से लेके 97.27 ऐसे रेखांश है। और रेखांश के बारे में हम पूर्व गोलार्ध में है दोस्तों। अगर भारत की लंबाई की बात करें यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर आप किलोमीटर की बात करें तो हमारा देश
उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर इतना उसकी लंबाई है, और अगर पूर्व से लेकर पश्चिम की बात करूं तो 2,933 किलोमीटर इतना हमारा पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारे देश का विस्तार है। तो दोस्तों इस देश के कई सारे ज्योग्राफिकल रीजन्स भी है। इस देश का हमने यानी पूरी दुनिया ने हमारे देश में इस ज्योग्राफी के अलग अलग रीजन्स बनाए। तो चलिए देखते हैं क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 7 अलग अलग टाइप है। पहला जो टाइप है वो है हिमालयाज, माउंटेनस। तो अब देखेंगे कि नॉर्थ में जो ऊपर जो हिमालय बना है तो पूरे वो हिमालय के पर्वत और हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो पर्वत है ये पूरा मिलके बनता है हमारा एक रीजन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है इंडो गंगेटिक प्लेन्स, इसका यानी हमारे इस हिमालय से बहुत सारी नदियां आती है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इस हिमालय से आती है। और जब हिमालय से आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती है, उपजाऊ मिट्टी, बहुत अच्छी मिट्टी। और जिन जिन जगह से वो निकलती है उन पूरे क्षेत्र को वो आबाद करके रखती है। तो दोस्तों ऐसे पूरा जो क्षेत्र हमारी इन नदियों ने अच्छा करके रखा है, और सबसे सुपीक, सबसे फर्टाइल प्लेन करके दुनिया में जिसका नाम है, उसका नाम है ये इंडो गंगेटिक प्लेन्स। एक्चुअली इसका नाम सिंधु और गंगा, तो सिंधु और गंगा इसका प्लेन ऐसे था, तो अभी इसको इंडो गंगेटिक प्लेन ऐसा भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि पंजाब से लेके बंगाल तक ये जो पूरा क्षेत्र है ये आज ऐसे अच्छी जमीन से भरा है, और जिसे बहुत ज्यादा बहुत अच्छी फसल आज हमारे किसान लेते हैं। उसके अलावा है थार डेजर्ट। दोस्तों हमारे पास रेगिस्तान भी है, आप जैसा बोलोगे वैसा रेगिस्तान। राजस्थान में हमारा ये रेगिस्तान है, जो प्रॉपर 100% आपको लगेगा कि जैसे दुबई में आपने देखा होगा, तो वैसे रेगिस्तान है। उसके अलावा हमारे यहाँ सेंट्रल भारत में, मध्य भारत में अगर आप देखोगे तो यहाँ मध्य भारत में बड़े बड़े ऐसे प्लेटू है। ओके, तो हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का ये विदर्भ से लेके डाउन, ये सभी बड़े बड़े प्लेटू के ऊपर है। ये दक्कन का पठार जिसे हम कहते हैं ऊपर, और ये बहुत बहुत रिच है जंगलों के लिए, मिनरल्स के लिए, कितने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं यहाँ। हमें जहाँ कोयले के बड़े बड़े खदान वो यही मिलते हैं, कुदरत ने भर भर के दिया है। दुनिया में सबसे जो अच्छे घने जंगलों में से जंगल यहाँ अपनी जगह पे है। इसके अलावा हमारे जो उपखंड है वो आप देखोगे तो दोनों तरीके से वो ऐसे नीचे जाता है, और दोनों बाजू उसके समंदर है। तो हमारे भारत देश को पूर्व किनार पट्टी भी है और पश्चिम किनार पट्टी भी है। तो इस पूर्व के अगर आप देखोगे तो पूर्व में बहुत बड़ी एक जो समुंदर का किनारा वो है, और जिसमें उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक इतने 4-5 स्टेट्स उसमें हैं। उसके अलावा वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट, पश्चिमी समुद्र तट अगर आप देखोगे तो वो भी गुजरात से चालू होके नीचे कन्याकुमारी तक जाता है, और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु इतने सभी राज्य उसमें शामिल हैं। दोस्तों हमारे आइलैंड, नेक्स्ट इज आइलैंड एंड सीज ऑफ कोर्स। दोस्तों हमारे यहाँ लक्षद्वीप, अंडमान ऐसे इस तरह के द्वीप है कि आप सोच नहीं पाओगे इतने सुंदर द्वीप हमारे पास। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर आपको दुनिया का कौन सी चीज देखनी है आप बताइए। अगर आपको बहुत ठंडा ऐसे प्रदेश देखना है, आपको बर्फ देखना है तो हमारे यहाँ हिमालय है। आपको रेगिस्तान, आप जाते हैं ना दुबई में ये सब देखने वगैरह, आपको देखना है तो हमारे राजस्थान में वो सब कुछ। दुनिया के सबसे घने जंगल में से सबसे घने जंगल हमारे पास है। जितनी जैव विविधता की अगर मैं बात करूं तो भारत जैसी जैव विविधता किसी के पास नहीं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो सजीव हमारी वनस्पति हो। दोस्तों अगर आपको समुद्र के किनारे अच्छे लगते हैं तो जितने सिटीज हमारे भारत के इस समुद्र के किनारे हैं, और जिस तरह के अलग अलग बीचेस, फॉरेन में तो शायद जाओगे तो आपको एक ही तरह का नजर आएगा, लेकिन हमारे यहाँ ओडिशा की खूबसूरती है, मुंबई की अलग चीज है, कन्याकुमारी अलग है। दोस्तों कौन सी ऐसी चीज है आप मुझे बताइए। और आप देख रहे ये चीज, आप देख रहे ये खूबसूरत हमारा अंडमान है, आप वहां जाते हो मालदीव, आप बाली जाते हो, यहां वहां करते, अरे भारत में देखिए ना। और ऐसा कौन सा देश है दुनिया का जिसमें इतना सब कुछ दिया है। कोई भी चीज आप बोलो ना, कोई भी चीज आपको बोलो तो आज कुदरत ने, भगवान ने इस सब कुछ इतना भारत को दिया है।
और मुझे कभी कभी बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे भारत के पास ऐसी ऐसी तरह की जमीन है। तो चलिए मैं जाते अगली तरफ, आपको लगेगा कि मैं क्यों इतना डिटेल में बता रहा हूं। जमीन, भारत की जमीन है, क्या होना चाहिए, इतनी इतनी जमीन है, ऐसा होता है, वैसा होता है, क्यों मैं इतना डिटेल में जाता हूं, मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूं कि कैसे जमीन बनी, कैसे ये सब कुछ हुआ, ऐसे अलग अलग क्यों इतना डिटेल में जाने की जरूरत है। दोस्तों ये जरूरत है क्योंकि अगर किसी देश को महान बनना है, अगर हमें सबसे बड़ी इकोनॉमी तैयार करनी है और सबसे ज्यादा जितना हमारा पोटेंशियल है, जितनी हमारी काबिलियत है, उतना काम करना है, तो हमें अपनी जमीन को समझना पड़ेगा, हमें अपने जमीन को सबसे ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। ये जो भी देश है जिनके पास जितनी भी जमीन है, बहुत सबसे अच्छी जमीन आज हमारे पास है, जिसके वजह से 90% ऑफ द टाइम दुनिया के दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी हम थे। तो अगर फिर से हमारे देश को अगर आगे लेके जाना है, दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी बनानी है, तो हमें इस जमीन को अच्छी तरीके से समझना होगा और मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें सबको मिलकर इस जमीन की जो आज दुर्दशा हो रही है, ये बर्बादी हो रही है, उसको बंद करना पड़ेगा। ये जो खदानें बन रही है, ये कोई कोयले के लिए जा रहा है, कोई बाकी की चीजों के लिए जा रहा है, फालतू फॉसाइल फ्यूल जिससे दुनिया बर्बाद हो रही है, उसके लिए हम लोग जंगल यहां तोड़ रहे हैं, ये बंद करना पड़ेगा। कहीं तो इस जमीन को हमें बचाना पड़ेगा इन सब चीजों से। दूसरा, ये अर्बनाइजेशन है, ये जो शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण, गांव के बाहर देखोगे, शहर के बाहरों में देखोगे, तो लोग इस शहरीकरण के पीछे कुछ भी करते हैं। जो इतनी इंपॉर्टेंट जमीन, वहां बिल्डिंग तैयार करो, रहने के लिए जगह, और कैसी झोपड़पट्टी चालू करते, इसे जमीन की हमें योग्य व्यवस्थापन करना चाहिए। कोई भी जमीन किस लिए अच्छा उसका उपयोग हो सकता है, ये वो संसाधन है कि जिसके वजह से हमारे लोगों को, हम लोग उनका जीवन बेहतर कर सकते हैं, ऐसा सोचना होगा, प्लानिंग करना होगा और उसको बेहतर बनाना होगा। दोस्तों अगर जमीन को अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करें तो हाँ, ये बहुत बड़ा चेंज कर सकती है हमारे देश की इकोनॉमी में, लोगों में। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, कई सारे एग्जाम्पल है मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल है जो अभी है बाहर, बिहार से। बिहार में एक जिला है जिसका नाम है बांका, आपने सुना होगा ना, बांके बिहारी, तो ये वही जिला है, बांके बिहारी मतलब मेका बांका। तो ये ऐसा जिला है, अभी उसमें स्टोरी ऐसी है कि वहां एक कलेक्टर गए और उन्होंने देखा कि उस जिले में 42,000 एकड़ से ज्यादा, मीन उससे भी कहीं ज्यादा जमीन ऐसी ही पड़ी हुई है, जो सालों साल हो गए ना कुछ कोई कर रहा है, कुछ नहीं, और वो जमीन कुछ सरकारी नहीं है, तो जमीन किसानों की है, प्राइवेट जमीन है, और कोई कुछ भी नहीं कर रहा। तो इन्होंने फिर क्या डिसाइड किया कि चलो कुछ अच्छा काम करते, इस जमीन को डेवलप करने की कोशिश करते। तो इन कलेक्टर साहब ने, बाकी सभी उनकी जो मशीनरी थी, उनके साथ मिलकर एक 17 एकड़ का प्लॉट उन्होंने पहले शुरुआत किया। तो वहां उस जमीन को क्या लगता था, तो जमीन को अगर ड्रिप इरिगेशन लगता था या छोटी थोड़ी कुछ डैम्स तैयार करने, जो कुछ करना वो उन्होंने किया। और उस 17 एकड़ में उन्होंने लेमन ग्रास की खेती की, जो आप देख रहे हैं। ये लेमन ग्रास यानी ये तो घास है वैसे, लेकिन इसका तेल बहुत, उसको बहुत अच्छा रेट है बाहर। तो उन्होंने वो तैयार करके उसका तेल निकाल के लोगों बेचा बाहर, और ऐसा नहीं बेचा, प्रॉपर उसकी ब्रांडिंग करके बेचा, उसकी बॉटल वगैरह भी आज मेरे पास पिक्चर नहीं, आप गूगल कर लेना। तो प्रॉपर उन्होंने तैयार करके कोशिश की और लोगों को बहुत अच्छा इनकम मिला। और आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो 500 एकड़ में लोग वो अभी काम कर रहे हैं। यहां इतना ही नहीं, ये बांका ये जो जिला है, इसमें खुद की अपनी एक इकोनॉमी है। वो एक रेशम का जो वस्त्र हम लोग तैयार करते हैं, ये बहुत अच्छी, उसका काम बहुत सालों से लोग यहाँ करते थे, लेकिन अभी वो कोई कर नहीं रहा था, लेकिन फिर से लोगों ने वो चालू किया। और आज अगर आप देखोगे तो लोगों ने ये जो रेशम के कीड़े की उसका पशुपालन शुरुआत की है, रेशम के वस्त्र का बिजनेस वहां चालू हो गया, और अभी लोगों को बहुत अच्छा इनकम इससे मिल रहा है। और अभी तो 500 एकड़ है, और धीरे धीरे 42,000 एकड़ में जाएंगे। और दोस्तों ये शुरुआत कब हुआ, ये 2018 में, कितने दिन हो गए, 3 साल में सिर्फ। अभी उन कलेक्टर साहब का तो तबादला हो गया वैसे, लेकिन लोग अभी भी वो आगे कर रहे। दोस्तों हमें हर तहसील को, देश के हर तहसील को एक सुजलाम सुफलाम, एक सेल्फ सफिशिएंट ऐसा राज्य बनाना। हर तहसील में 29,000 हेक्टर, 29,000 से 30,000 हेक्टर इतनी जमीन है, यानी अगर एकड़ में बात करें तो 75,000 एकड़ जमीन हर तहसील में है।
तो हर तहसील में ये 75,000 एकड़ जमीन पे अगर हम लोग काम करें, मेहनत करें, देखें कि किससे क्या कर सकते उस जमीन के ऊपर, जैसे उन्होंने किया, तो सोचे कितने सारे लोगों को कितने अच्छी इनकम हम लोग दे सकते हैं, कितने अच्छे अर्थव्यवस्था हम लोग तैयार कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया। और ऐसा अगर आपको लगता होगा कि सिर्फ सब लोग थे, कलेक्टर थे, सब लोग आए इकट्ठा इसलिए पॉसिबल हुआ, तो ऐसे नहीं, कई सारे एग्जाम्पल तो मेरे सामने ऐसे भी है कि जो एक आदमी ने शुरुआत की है। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये पर्सन तमिलनाडु के, जिन्होंने रिटायरमेंट बैंक में एक मैनेजर थे, रिटायरमेंट के बाद वो बैंगलोर गए, उन्होंने घर बेचा अपनी इस अच्छी चीज के लिए, घर बेचा, एक बहुत ही ऐसी बंजर जमीन जो बैंगलोर से दूर थी उसको लिया, परचेस किया और खुद जाके उस बंजर जमीन को उन्होंने कंप्लीट मॉडल ऐसा ऑर्गेनिक फार्म बनाया, जिसकी वजह से उनको तो इनकम मिली लेकिन आसपास के जो किसान थे, लोग थे, उनको भी इनकम मिलनी चालू हो गई। ये महिला है। अभी इन महिला को अगर आप देखोगे तो ये 62 इयर्स ये महिला है, ये हाउसवाइफ है, लेकिन 20 साल पहले इन्होंने ऐसे ही सोचा कि मैं कैसे करूं इस जमीन को जो बंजर ऐसी पड़ी हुई, उसको कैसे उपयोग करूं इसका। तो इन्होंने सिर्फ महज 2 एकड़ से चालू किया, केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, जिले में ये रहती है, और 20 साल पहले उन्होंने 2 एकड़ से चालू की थी। आज की तारीख में इनके पास 24 एकड़ इतनी जमीन है जो 100% ऑर्गेनिक है, और इस जमीन से इतना इनकम अच्छा उनको आ रहा है, और सिर्फ उनको नहीं आजू बाजू के कितने सारे महिलाओं को उन्होंने इनकम दिया है। और दोस्तों ये दुनिया का, ये भारत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हिवरे बाजार। दोस्तों हिवरे बाजार ये एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां लोग रहते नहीं थे, कुछ नहीं था, बंजर जमीन थी, पानी नहीं, बारिश नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे कमाए, कैसे खाए, कैसे जिंदा रहे उधर, लोग वो छोड़ के जा रहे थे, लेकिन एक आदमी अपना शहर छोड़ के वहां आया, जो ये हम लोग जिनको देख रहे हैं अभी, पोपटराव पवार, और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के वहां सभी लोगों के साथ जो कुछ करके दिखाया, आप विश्वास नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा अमीर गांव में से एक गो गांव है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा अमीर हो सकता है ये, इतना इनकम है हर फैमिली में, इतना इनकम है, और सिर्फ इसीलिए कि सभी ने मिलकर उस गांव को बेहतर बनाया, उस जमीन, जो भी जमीन उस गांव में थी, उस ग्राम पंचायत में थी, उसको बेहतर बनाया। दोस्तों यही तो काम करना है ना, कैसे बनेगा तहसील, कैसे बनेगा तहसील राज्य, हमें हर तहसील राज्य बनाना है ना, हर तहसील ऐसा राज्य कि जो जिसमें राजा हो हमारा किसान, ऐसा राज्य कि जो कुछ चीजें हमें तहसील को चाहिए ना, वो हम लोग खुद तैयार करें, मेहनत करें, पैसा कमाएं, और हमारे यहां जो स्कूल, जो चीजें लगती है गांव में, जो हमारे तहसील में, वो तैयार करें। कोई जरूरत नहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की, कोई बाहर से कंपनी आए और यहां हमारा धंधा करे, कोई जरूरत नहीं, इतना काम कर सकते हैं। और ये एग्जांपल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको। तो दोस्तों अगर हमारा ये एम है, हमारा ये लक्ष्य है कि हमें हर तहसील को एक सुजलाम सुफलाम एक राज्य बनाना है, एक सेल्फ सफिशिएंट राज्य बनाना है, तो हमें काम करना होगा इस ग्राम पंचायत के ऊपर, क्योंकि तहसील कैसे बनता है, हर ग्राम पंचायत के ऊपर। और इसलिए सबसे जरूरी प्रोजेक्ट, सबसे जरूरी बिजनेस अगर इस पूरे एमसीएल में कुछ है तो वो है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। बस ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हम लोग करते हैं, ये जो विजन और मिशन लेके हम लोग चलते हैं ना, आपको सिर्फ एक काम करना है, हमें मिलकर सिर्फ एक काम करना है, हमारे गांव के ऊपर फोकस करना है। जो जो ग्राम पंचायत में जो जो उद्योजक है, उन्होंने सिर्फ देखना कि मेरे गांव में कितनी जमीन है, 2,000 से 3,000 एकड़ मिनिमम जमीन है आपके यहां, देखा अपने हिवरे बाजार में क्या हुआ। तो आपको सिर्फ वो देखना है कि क्या कर सकते हैं, वह जो हमारा आज बिजनेस मॉडल है, जो काम हम लोग कर सकते, कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे किसान तैयार कर सकते हैं, फैमिली लोग तैयार कर सकते हैं, कुछ पशुपालन कर सकते हैं और उसको हम ले सकते हैं, लेकिन एक भी इंच आप मत छोड़िए, कोई भी ऐसी एक भी जमीन का टुकड़ा ऐसे रहना ही नहीं चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। दोस्तों जमीन तो लाओगे, रशिया अमेरिका में पास जमीन है, ये क्लाइमेट नहीं है, ये टेम्परेचर, ये सभी जो चीजें, बहुत कुछ चीजें जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये इसीलिए ये एमवीपी को सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारे पूरे बिजनेस मॉडल में है, और हम इसके जरिए इस जमीन का विकास करके हम अपने देश को फिर से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कर सकते हैं। और यही समझने के लिए लैंड, जमीन को समझना जरूरी है, इसलिए मैं ये पहला एपिसोड था। अगले शुक्रवार को फिर से इस जमीन के बारे में और बेहतर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मिलके हम सबको, हमारे देश को फिर से वो बनाना जुत है हम लोग, और आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज ऐसा काम चालू रखिए, और मिलते हैं अगले शुक्रवार को।
धन्यवाद, थैंक यू। जी हाँ, जल जमीन जंगल की बात श्याम सर हमेशा हमसे करते हैं और आज भी उन्होंने हमें बताया कि हमारे ऊपर अपने जमीन का कितना कर्ज है और वो कर्ज चुकाने के लिए पूरा एमसेल इंडिया परिवार कमिटेड है टू दिस मदर अर्थ। गुड मॉर्निंग एमसेल इंडिया परिवार, और एक शुक्रवार हमारे बैंक के ऊपर वार श्याम सर का ट्रेनिंग वेबिनार। जी हाँ, श्याम सर जो प्राइड आके हमें सोचने मजबूर करते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, हम हमारे देश के प्रति कितने कर्तव्य हमको निभाने हैं, और उसी कर्तव्य की आज हमें और एक बार श्याम सर ने याद दिलाई है। और हाँ, हर फ्राइडे हम प्राची मैडम की स्टोरी सुनने के लिए भी बहुत बेकरार रहते हैं। आज भी उन्होंने नाम्बिया जी की जो कथा बताई है वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। दीज टू ग्रेट पर्सनैलिटीज डॉक्टर श्याम सर एंड प्राची मैडम, यही हमारी इंस्पिरेशन है और उनके विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल अवर एमबीबी ओनर्स, अवर एमबी ओनर्स, अवर एमबीएस, बीडीएस, सीनियर बीडीएस एंड एंटायर एमसेल इंडिया परिवार, थैंक यू वेरी मच। ये जी हाँ, आज तो जमीन की बात श्याम सर ने कही तो मैं बहुत शान से और फक्र से आपके साथ में कहना चाहूंगा, आप सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर फॉर इंस्पायरिंग अस वंस अगेन। एंड मैं अभी आप सभी लोगों को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों, आप लोगों को इस चैट बॉक्स में जो लिंक दी गई है, कृपया इस लिंक के ऊपर जाकर आप आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं अब शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फिर एक बार प्राची मैडम का, जिन्होंने एक अनोखी स्टोरी आज फिर हमारे साथ शेयर की और बताया कि बलिदान देने वाले कैसे कैसे लोग आज हमारी मातृभूमि में है। और दोस्तों, इनके बलिदानों के वजह से ही हमें इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम वंस अगेन। एंड शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस इंसान का जो हर बार शुक्रवार को आकर हमें अलग अलग चीजों के ऊपर बताते हैं, जल जमीन जंगल पर्यावरण के जो तीन महत्वपूर्ण घटक है, जिनमें से जमीन के बारे में आज उन्होंने शुरुआत की है। अब तक जमीन के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें थी, लेकिन डिटेल में जमीन क्या होती है, किस प्रकार से होती है, ये सारा बात, ये सारी चीजें आज हम जान चुके हैं और आने वाले हफ्ते में और जानने वाले हैं। दोस्तों, इसी जमीन का प्रयोग करके, इस रिसोर्स का प्रयोग करके आने वाले दिनों में हम हमारे गांव, हमारे तालुका, हमारे जिले और बाद में हमारा पूरा राष्ट्र हम फिर एक बार सुजलाम सुफलाम करने वाले। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन विथ अस, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मैं आप सभी प्राइम बीडीए, बीडीए, एमपीओ, एमवीपी, हमारे सारे चैनल पार्टनर्स और सारे स्टेक होल्डर्स और सारे एमसीएल टीम मेंबर्स, इन सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका होस्ट मंगेश शेलार ये घोषणा करता हूं कि आज का यह वेबिनार, आज का यह ट्रेनिंग प्रोग्राम यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।